बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर खुर्द में सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घी और पनीर बनाने के कारखाने पर छापेमारी की और कारखाने का भंडा फोड़कर भारी मात्रा में नकली घी और पनीर जब्त किया। बताया जा रहा है कि इस कारखाने में नकली देसी घी और नकली पनीर बनाने का काम किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने छापेमारी में लगभग 700 किलो नकली घी और पनीर को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोप ये भी है कि कारखाने में बिना लाइसेंस के ही कारोबार किया जा रहा था। वहीं इस मामले में सीओ वंदना शर्मा ने बताया कि देसी घी और पनीर को रिफाइंड यूरिया और पाउडर मिलाकर बनाया जा रहा था, जो खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही नकली घी और पनीर को जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मोहम्मदपुर गांव है थाना छतारी में। इसमें जो बताया जा रहा है कि दानवीर पुत्र रामस्वरूप और इनके बेटे हैं गौरव पुत्र दानवीर, ये दोनों मिलकर यहाँ दूध का कारोबार कर रहे थे। अभी मौके पर जब इनसे पूछा गया कि इनके पास लाइसेंस है, तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है जिससे ये कारोबार कर सके। पर अभी भारी मात्रा में पुलिस टीम और फूड इंस्पेक्टर जब मौके पर आए हैं तो भारी मात्रा में यहाँ पर दूध का पनीर जो है और घी और क्रीम वगैरह मिली है, जो आज की डेट में जिसमें फंगस लगा हुआ है, नकली लग रही है। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि ये मिलावटी जो पाउडर होता है उसको रिफाइंड में मिलाकर बना रहे हैं। तो अभी प्रथम दृष्टिया जो फूड इंस्पेक्टर ने भी बताया कि प्रथम दृष्टिया ये नकली लग रहे हैं, बाकी इनको सैम्पलिंग करके टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, टोटल मिलाकर जो लग रहा है कि 6 से 7 क्विंटल मात्रा होगी, जो बहुत ही भारी मात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।